सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ब्लू टिक कैसे लगा सकते हो। So, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के बाद आपका प्रोफाइल में भी ब्लू टिक ऐड कर सकते हो। सो है ना काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो वीडियो में बने रहे। सो ही व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज अभिषेक, यू आर वाचिंग टेक्नो मिस चैनल। सो बेसिकली गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ब्लू टिक ऐड कर सकते हो। सो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के बाद आई होप आपको इस तरह से आप भी ब्लू टिक इनेबल कर सकते हो। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस तरह से आपको प्रोफाइल बनाने के लिए गाइस हम आपको बता देना चाहते हैं, इसमें ब्लू टिक इनेबल नहीं है। मैंने इसमें एक बॉर्डर को ऐड किया है अपने इस फोटो में गाइस, कुछ इस तरह से फोटो था, मैंने इसमें बॉर्डर ऐड करके कुछ इस तरह से वेरीफाई ब्लू टिक वाला इसमें ऐड कर दिया है, तो आपको देखने में लग रहा है कि मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। सो आप भी इसी तरह से कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप किसी को भी हैरान कर सकते हो। कोई भी आपका डीपी देखेगा तो वो आपसे जरूर पूछेगा इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे वेरीफाइड हो गया है। तो इस तरह से आपको फोटो को वेरीफाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ किसी भी ब्राउजर में आपको चले जाना है। ब्राउजर में चले जाने के बाद आपको सिंपली से आपको टाइप कर देना है unilink.us border, आपको टाइप कर देना है। टाइप कर देने के बाद जो कि पहला आपको वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कुछ देख सकते हो, यहाँ पर आपको बॉर्डर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका फोटो आपको सेलेक्ट करना है। आपका फोटो यहाँ पर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ आप अपने फाइल से भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फोटो सेलेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पर कुछ टाइम लेगा, आपके नेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका फोटो कितना जल्दी अब यहाँ पर अपलोड होगा। ठीक है, तो फोटो मेरा अपलोड हो चुका है, देख सकते हो इसमें बॉर्डर आ चुका है। अब बात आता है इसमें ब्लू टिक कैसे इनेबल कर किया जाए। तो ब्लू टिक यहाँ पर देख सकते हो वेरीफाई बैच पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई बैच पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो इस फोटो में वेरीफाई टिक आ चुका है। चाहते हो कि इसमें बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऊपर स्क्रॉल करके देख सकते हो, इसमें जिस बॉर्डर आपको अच्छा लग रहा है उस बॉर्डर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इस फोटो में बॉर्डर चेंज हो गया है। दोस्तों बात आती है कि इसका डाउनलोड कैसे किया। डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको क्या करना हो, नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड वाला सिंपली से आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये फोटो आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम पर इसे लगा देना, डीपी में जाके आप इसे चेंज कर देना, आपका प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाएगा। सो गाइस, जैसे मैंने डाउनलोड के बटन पर क्लिक किया वैसे ही दोस्तों यहाँ पर कुछ सेकेंड में दोस्तों आपका फोटो डाउनलोड हो जाएगा। सो फोटो का दोस्तों चलिए हम ओपन कर लेते हैं। सो फोटो का दोस्तों आप क्वालिटी देख सकते हो, कितना गजब क्वालिटी है, काफी HD क्वालिटी में आपको देखने को मिल रहा है। सो फोटो में काफी आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा, यहाँ पर लूज क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, चलिए इस फोटो को अपने इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल में अपलोड करके आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। चलिए फटाफट से आप अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। तो हमने ऑलरेडी पहले से ही अपने प्रोफाइल को वेरीफाइड ब्लू टिक वाला प्रोफाइल को बना रखा है। तो चलिए आपको हम सिर्फ दिखाने के लिए जिस फोटो को मैंने अभी अभी वेरीफाइड ब्लू टिक वाला फोटो को मैंने उस फोटो को मैं अभी आपको अपलोड करके दिखाते हैं। सो गाइस, अभी तक भाई को फॉलो नहीं किया तो इंस्टा आईडी पर फॉलो कर लेना, ये रहा मेरा इंस्टा आईडी, भाई को जरूर फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम इस प्रोफाइल को चेंज करते हैं और जो अभी जिस फोटो को मैंने बनाया है वेरीफाई ब्लू टिक वाला उस फोटो को अपलोड करते हैं। तो एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद सो गाइस यहां पर आपको चेंज प्रोफाइल पे क्लिक करना। चेंज प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू बाद गाइस देख सकते हो जिस फोटो को मैंने अभी डाउनलोड किया वो फोटो यहां पर आ चुका है। और यहां से देन गाइस आपको एरे वाला बटन पर क्लिक कर देना है और फिर दोस्तों वहां से ऊपर से आपको साइन का दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस आपको कुछ सेकेंड में दोस्तों आपका यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। सो फाइनली गाइस आप देख सकते हो मेरा गाइस, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में इसी तरह से ब्लू टिक को इनेबल कर सकते हो। सो गाइस आप इसी तरह से आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को वेरीफाइड कर सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि दोस्तों हम ऐसे इंस्टाग्राम से लेटेस्ट वीडियो अपने इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए एक मिलते हैं एक न्यू ब्रांड वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही।